Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं. ज्यादा एक्साइटमेंट होगी. हाँ, तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं पैल वर्ल्ड. तो जैसा कि आप लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने फाइट करी थी कुछ खतरनाक बॉस पोकेमोन से, जिसमें से हमने काफी सारे पोकेमोन्स को पकड़ लिया था और कुछ कुछ को मार दिया था. बट आज की वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग बनाएंगे एक ब्रीडिंग फार्म. तो देखो, तुमने बहुत सारे पोकेमोन एग्स तो देखे ही होंगे जिसमें से पोकेमोन निकलता है. तो ये एग हमें नॉर्मली मिल जाते हैं कहीं पर भी, लेकिन आज हम अलग अलग पोकेमोन को पकड़ के उनके बीच ब्रीडिंग करवाएंगे और उनमें से जो हमें एग मिलेगा उसमें से निकलने वाले कुछ खतरनाक पोकेमोन्स. अब मुझे इतना नहीं पता कि वो पोकेमोन कितना खतरनाक होने वाला है, बट मुझे इतना जरूर पता है कि दो डेंजरस पोकेमोन का बेबी तो डबल डेंजरस होगा. तो चलते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट करे करवाते हैं ब्रीडिंग. ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सभी का पैल वर्ल्ड की ब्यूटीफुल से दुनिया में. ये है सामने हमारा नया घर जो कि रिसेंटली मैंने बनाया है. थोड़ा सा छोटा है बट है बहुत ज्यादा बढ़िया लोकेशन पे. मतलब तुम नजारे देख लो भाई, क्या मस्त व्यू आता है यहाँ से. फिलहाल मैं ब्रीडिंग फार्म बाद में बनाऊंगा, उससे पहले मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को कुछ नए पोकेमोन्स जो कि रिसेंटली मैंने पकड़े थे. तो देखो, सबसे पहले हमारा ये रहा, ये है फेल बैट. देखने में बहुत ही छोटा है, मतलब तुम इसका साइज देख रहे हो. मैंने तो आज तक इसकी शक्ल भी नहीं देखी, बस मुझे इतना पता है कि ये फाइट करने में बहुत ज्यादा बढ़िया है. फिर मैंने पकड़ा था एक ये बंदर जैसा दिखने वाला पोकेमोन है, ये देखो. हाँ, मतलब मंकी जैसा दिखता तो बिल्कुल नहीं, दिखने में वुल्फ है बट वॉकिंग स्टाइल बिल्कुल मंकी जैसा है. तो गौरी रैट इसका नाम है. देखो भाई, खुद ही भाग के क्या लकड़ी वकड़ी तोड़ने लग गया. नहीं भाई, तेरे से काम नहीं करवाना, वापस आ जा. मैं बस अभी आप लोग को दिखा रहा हूँ कौन से पोकेमोन्स मैंने नए पकड़े हैं. बट हाँ, आप लोग इसको तो जानते ही हो, हमारा फेवरेट पोकेमोन मुसांडा लक्स. हमने पकड़ा था इसका भाई जो कि ग्रीन कलर का, ये रहा. ये है भाई मुसांडा. हाँ, तो ये दो तीन पोकेमोन था जो कि मैंने नए पकड़े थे. लेकिन नहीं यार रुको, मैंने लास्ट वीडियो में 8 नए पोकेमोन पकड़े थे. एक मैंने ये ब्लू कलर का भी पोकेमोन पकड़ा था, यहीं कहीं घूम रहा होगा. रुक जाओ, ढूंढते हैं उसे. नीले पानी फेंकने वाले पोकेमोन, कहां घूम रहा है तू? अब कहां चला गया भाई? वो पानी फेंक के मारता बहुत तेज. मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो जाके सो रहा होगा. एक बार देख लेता हूं मैं. नहीं यार, सो भी नहीं रहा. अरे 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 अरे, ये देखो खेतीबाड़ी कर रहा है. ये देखो, ये है वो नीला वाला पोकेमोन. नहीं, गुस्सा नहीं. इधर मैं तेरे को. अरे भैया कहाँ चला गया? इधर मैं इसको उठा के लाया हूँ ताकि आप लोगों से मिलवा सकूं. ले भाई इधर, शक्ल दिखा दे. ये अपना कुछ नया पोकेमोन है, गोबफिन. ठीक ठाक है भाई, मारने वारने में बहुत तगड़ा है. और मैंने एक ये वाली पोकेमोन भी पकड़ी थी, किट्रेस. तू भी इधर. ये तो खैर फाइट में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, आप लोग जानते ही होंगे, इसको देखा होगा आपने. और क्या पकड़ा था मैंने? यही सब पकड़ कर लाया था यार. हाँ, एक बॉस पोकेमोन पकड़ा था भाई, ये रहा. ये देखो गाइस, ये है वो बॉस पोकेमोन जो उड़ के घूमते, ग्रीन वाली. खैर ठीक है, इन सबका तो चलता ही रहेगा. ऐसे खतरनाक पोकेमोन्स में पकड़ते ही रहूंगा, क्योंकि अपने पास मैप अभी छोटा सा ही खुला है. आई मीन जितना मैं एक्सप्लोर करूंगा उतना एरिया खुलते रहेगा और उतने सारे नए पोकेमोन हमें दिखेंगे. बट अब चलते हैं काम की ओर. हमें बनाना है ब्रीडिंग फार्म. तो पता करते हैं ब्रीडिंग फार्म बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए. तो सबसे पहले हम लोग ब्रीडिंग फार्म को अनलॉक कर लेते हैं और अभी बारी है इसे क्राफ्ट करने की. वैसे यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कहां पे बनाऊं. अपने पास एरिया तो बहुत सारा है, बट यार ये वाले एरिया पे ये लोग अपना काम धंधा करते रहते हैं. चलो एक काम करता हूं, मैं ब्रीडिंग फार्म को ना इस वाले फार्म के राइट साइड पे बना देता हूं, सही रहेगा. चलो, तो ब्रीडिंग फार्म बनाने के लिए मुझे जाना है गिरा इधर. ओके वेट, मैं इसको अपने पाल स्फीयर के जोन से बाहर नहीं बना सकता. मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं ये ब्रीडिंग फार्म बनाऊं तो बनाऊं कहां. कुल मिला के मेरे पास एक यही एरिया बचा है, मुझे ठीक भी लग रहा है. तो इसको मैं थोड़ा सा ना साइड करके यहीं पे बना देता हूं, ठीक है. ये जगह सही है यार. क्या है ना कि यहां पर एक रास्ता है, तो ये रास्ता भी डिस्टर्ब नहीं कर रही और बन भी जाएगी. चलो भाई, सब लोग आ जाओ काम पे, लग जाओ. अबे ये क्या है, ये हथौड़ी कितनी छोटी, इससे छोटी हथौड़ी नहीं मिली तेरे को? क्या बदतमीज आदमी है. खैर ठीक है, बिल्ड कर रहा है वो. मैं भी थोड़ा सा इसकी मदद करवा देता हूं और ये बिल्ड हो जाएगा जल्दी से. वैसे वेट, जल्दी से नहीं होगा यार, अभी थोड़ा बहुत बाकी है. चलो चलो चलो, सब लोग आ जाओ काम पे, लगो. वेरी गुड भाई, कितने लोग काम कर रहे हैं. 1, 2, 3, 4, 5, और ये तो उसके सर पे हथौड़ी मार रहा है. चलो चलो चलो, थोड़ा सा हाथ हम भी बटवा देते हैं. ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है. और भाई यही है वो एरिया जहाँ पर हम लोग अलग अलग पोकेमोन्स की ब्रीडिंग करवाएंगे और उनसे हमें मिलेगा एक न्यू बेबी पोकेमोन एग. हाँ, वैसे एग मिलेगा हमें उस एग को एग इनक्यूबेटर में डालकर. अरे अरे, तू कहाँ जा रहा? भाग के, खेलने के लिए प्लेग्राउंड नहीं बनाया, बाहर निकल. इधर इधर. चलो क्या ठीक है, अपना ये काम हो गया. मुझे यहाँ पर लाने हैं कुछ अलग अलग पोकेमोन्स. तो देखो, तो मुझे ये कमेंट आया था कि अगर मैं बुशी एंड पेनकिंग की ब्रीडिंग करवाऊंगा तो मुझे मिलेगा एक बहुत तगड़ा पोकेमोन जिसका नाम है एनीबुज, ऐसी कुछ नाम है. और वो ना कुछ ऐसा सा दिखता है, तो शायद से वो बहुत तगड़ा पोकेमोन है, आप लोगों को नहीं बताया था. हाँ, तो मैं ये कह रहा था मेरे पास पेनकिंग भी है और मेरे पास बुशी भी है. तो बुशी को बेस पे उतारते हैं एंड पेनकिंग को बेस पे उतारते हैं. वैसे मेरे पास ना दो पेनकिंग है, एक बार दोनों को रख के कंपेयर करते हैं कौन सा वाला अच्छा है. तो ये वाला जो पेनकिंग है इसके पास सिर्फ एक्वागन इफेक्ट है और ये लेवल 1 है, एंड
ये वाले पे तीन है तो हम लोग ये वाला पेनकिंग यूज करेंगे और बुशी मेरे पास एक ही है। चलो गाइस तो दोनों पोकेमोन्स मैंने उतार लिए हैं और इसको पकड़ना होगा। इधर आ पेनकिंग, अरे इधर चल मेरे साथ। तो इसको उठाकर हम लोग ले जाएंगे और पैक कराएंगे ब्रीडिंग फार्म में। तो ये हमने डाल दिया, यहीं पर बैठ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। बुशी 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 कहाँ चल, अरे बुशी क्या कर रहा है, खाना खाने आएगा तू। चलो गाइस अभी बुशी को उठा लो, बहुत खाना वाना खा लिया, चुपचाप से भी चलो ब्रीडिंग करने। मुझे एनीब्यूस का बेबी पोकेमोन चाहिए। चलो बुशी अंदर जाओ फटाफट से, लेट्स गो। हमने ब्रीडिंग के लिए डाल दिया और यहाँ पर लिखकर आ रहा है लव इज ब्लॉसमिंग बिटवीन द टू पल्स। प्यार तो आ चुका है बट केक नहीं है। अबे केक का क्या करोगे, केक खाना होता है इन्हें। ओ तो मुझे ब्रीडिंग करवाने के लिए केक ला के देना होगा। ओ वेट, यहाँ पर एक वॉन्डरिंग मर्चेंट जा रहा है, केक बेचता है क्या भाई तेरे पे केक है? यार बेच दे यार केक, मुझे कुछ तो खरीदना है तैसे। यार ये बंदा मुझे मिल्क बेच रहा है, एग बेच रहा है और केक तो नहीं बेच रहा, केक शायद मुझे खुद से बनाना पड़ेगा। यार केक बनाने के लिए क्या करना होता है, एक मिनट रुको, इस पे केक बनता है क्या? और देखो इस पे ना सारी चीजें मैं फ्राई कर सकता हूँ। शायद से केक बनाने के लिए मुझे कोई कुकिंग वाली चीज ओपन अनलॉक करनी होगी। देखो मेरे पास कुकिंग करने के लिए क्या क्या है, कुकिंग कुकिंग कुकिंग। ओ ये देखो एक कुकिंग पॉट है जिसके लिए मुझे बहुत सारा आयरन चाहिए होगा। ये रहा कुकिंग पॉट जो कि मुझे क्राफ्ट करना है और मैं इसको बनाने वाला हूँ। देखो अभी फिलहाल के लिए यहीं पे बना देते हैं क्योंकि मैं वैसे भी वाला डोर नहीं यूज करता हूँ। चलो गाइस जल्दी जल्दी हाथ बटवाओ, खत्म करो इसका बिल्ड। ऑल डन, कुकिंग पॉट हमने बना डाला है और अब मुझे इसमें बनाना है केक। तो केक बनाने के लिए, अरे यार वेट, हमें केक बनाने के लिए फ्लोर चाहिए, रेड बेरीज चाहिए, मिल्क चाहिए, एग चाहिए और हनी चाहिए। और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें हैं, बेरीज एंड हनी। यानी मुझे एग, मिल्क और फ्लोर तीनों चीजें लेके आनी होगी। यार देखो फ्लोर तो यहाँ पे पड़ा होना चाहिए ना, अपने पास है तो ये वीट है, वीट से फ्लोर कैसे बनता है? वर्क बेंच से बन जाएगा क्या? एक बार चल के देखे। अरे नहीं यार कुकिंग उससे बनेगा। गाइस छोड़ो यार ये थोड़ा टेक्निकल दिमाग लग रहा है यार, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एक काम करते हैं वापस से चलते हैं उसकी दुकान पे। तो ये है स्मॉल विलेज भाई, यहाँ पर इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड भी लगा रखा यार, कि मतलब तुम इन्हें मार के इनका माल वाल मत लूट जाना। चलो ठीक है, तो अभी मैं इस भाई सब्जी की दुकान पे पहुंच चुका हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें लेनी थी, बहुत सारा केक बनाना है। तो भाई अभी तू एक काम कर, तू मुझे एग तो दे दे बहुत सारे, 40 अंडे दे दे, ठीक है? 40 अंडे के साथ साथ तू मुझे मिल्क भी दे दे बहुत सारा। यार मुझे लगता है ना मिल्क तो मैं खुद से भी बना सकता हूँ, बाकी फ्लोर कैसे बनेगा? सही में यार उसके पास तो बहुत सारी अलग अलग चीजें बेचने के लिए, बट वो मैं बाद में खरीदूंगा, बाद में आता हूँ उसके लिए। चलो अभी ठीक ठाक खरीदारी होगी है, वापस चलते हैं एक बारी। ये अपना बेस मैं सब कुछ लेकर आ चुका हूँ, बस मुझे ये नहीं पता कि फ्लोर कैसे बनाना है। मेरे पास वीट है, वीट से फ्लोर बनाना इजी है। ये देखो यहाँ पे बहुत सारा फ्लोर पड़ा है, इस मशीन में डलता है क्या? अबे यार कुछ भी नहीं करना है, इसमें डालना है बस। चलो भाई बहुत सारा बना दो अभी तो। अरे कोई पानी वाला पोकेमोन कहाँ पे है? क्या है ना कि इस मशीन को चलाने के लिए इसमें पानी मारना पड़ता है तो इसका पहिया घूमता है। ओके अपने पास ये है पानी वाला पोकेमोन, बट ये नहीं, ये है, हाँ वैसे ये है, ये पानी पी रहे, खाना खा लेते देते। चलो भैया मेरे साथ चलो, हम लोग सीधा बॉस पोकेमोन लेकर आ रहे हैं अपना काम करवाने। तो ये है तुम्हारा काम, जल्दी से लग जाओ इस पे, जितना पानी डालोगे वेरी गुड। देखो गाइस फ्लोर बनना रेडी हो गया है। पानी वाले और पोकेमोन का है भाई? चलो वैसे बहुत सारा फ्लोर बन चुका है, अभी इतने में अपना काम हो जाएगा। भाई केक बनाने के लिए इतनी सारी चीजें लग जाएगी वो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। चलो ठीक है, तो अभी शायद से मैं केक बना सकता हूँ। यस तो केक बनाने के लिए सारा सामान हमने यहाँ पे लगा दिया है, इसे स्टार्ट करते हैं, बनाना चालू करते हैं। और वेट भाई इतना ज्यादा टाइम लगेगा कि गाइस एक बारी तुम लोग ऊपर देखो, मैंने केक बनाना स्टार्ट कर दिया है और जिस हिसाब से इसका टाइमर चल रहा है आधा घंटा लग जाएगा। रुको यार मुझे कोई फायर वाला तगड़ा पोकेमोन चाहिए होगा। मेरे पास सबसे मस्त फायर फेंकने वाला कौन है? फायर 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 फायर, सही बताऊं तो मुझे कोई भी फायर वाला तगड़ा पोकेमोन दिख नहीं रहा है। यार क्या बात कर रहे हो, मैंने कोई फायर वाला अच्छा पोकेमोन ही नहीं पकड़ा आज तक। ओ ये है, अपने पास सबसे अगर अच्छा कोई है तो वो है रूबी। तो ठीक है फिर रूबी को लेकर चलते हैं। इधर आ इधर आ इधर आ, कहाँ भाग रही है? इधर खाना बाद में खाइए तू। चलो रूबी है जो केक थोड़ा सा जल्दी क्राफ्ट कर सकती है, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा भाई इसमें। और हम भी अगर साथ साथ हेल्प करवाएं तो शायद थोड़ी तेज स्पीड में होगा। क्या मैं एक बार में दो पोकेमोन असाइन कर सकता हूँ क्या? अगर मैं इसको भी उठा के कुकिंग पे लगा दूं तो क्या ये बनाएगी? अरे यार एक बार में एक ही बनाएंगे। रुको रुको रुको, तो फिर तो तू ही बढ़िया, तू वापस आ। कुकिंग के मामले में रूबी ज्यादा बढ़िया है, काश एक बार में दो लोग क्राफ्ट करते ना तो बढ़िया रहता। ठीक है अभी इसके साथ मैं ही मिलके क्राफ्ट करता हूँ, अपने पास और कोई जरिया तो है नहीं। भाई ये तो बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग है यार, मतलब हद से ज्यादा। जब तक कुकिंग हो रही है ना मैं एक छोटा सा काम कराता हूँ। लास्ट वीडियो में ना मुझे एक बहुत तगड़ा एग मिला था जो कि मैंने शायद से यहीं कहीं रखा होगा। यार रुको ये है लार्ज एग, इसको रख कर आते हैं एग इनक्यूबेटर में। वैसे तो एग इनक्यूबेटर मेरे दूसरे बेस पे है बट मैं सोच रहा हूँ एक यहाँ पे भी बना ही लेते हैं। चलो तो अभी मुझे बनाना है एक एग इनक्यूबेटर, तो मैं सोच रहा हूँ कि सारे पोकेमॉन्स यहीं पर आने एग के लिए, इसको इसके अंदर भी बना सकते हैं भाई, ये काफी कूल चीज है। तो हम लोग बनाने वाले हैं एग इनक्यूबेटर इस साइड पे, ठीक है? यहाँ पे बहुत सही लगेगा। या फिर नहीं यहाँ पे रुको, एग इनक्यूबेटर को मैं इसके इस साइड बना दूं क्या? हाँ इधर बहुत अच्छा खासा स्पेस था, इधर ही बनाते हैं। तो जो भी अब मैं अंडा लेकर आऊंगा उस अंडे में से यहाँ से पोकेमोन निकलेगा एग इनक्यूबेटर में से। डन, तो ये बन चुका है
केक एक बार देख कर आता हूँ उसे कितना टाइम लगेगा, बट जब तक केक बन रहा है भाई मैं इसके अंदर अगर लार्ज वाला डालू तो ये मुझे दिखा रहा है भाई 59, एक सेकेंड ऑलमोस्ट एक घंटा लगेगा इसमें। तो ये जो लार्ज वाला एग है इसको रख कर आते हैं हम लोग दूसरे बेस पे, ठीक है यहाँ पे रख देते हैं इसे। ये रहा एग इनक्यूबेटर, इसमें डालते हैं लार्ज एग। मुझे ना शायद से एक रिपेयर किट बनाना पड़ेगा यार पहले, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वो वाला एग इनक्यूबेटर खराब हो चुका है। ये वाले एग इनक्यूबेटर को मुझे पहले रिपेयर करना है क्या? चलो ये रिपेयर हो गया, अब मैं इसके अंदर एग वेट, मैं एग क्यों नहीं रख पा रहा हूँ यार इसमें, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। गाइस एक बार ना आप लोग मुझे बताना कि मैं उसमें एग क्यों नहीं रख पा रहा हूँ। मेरे पास एक लार्ज एग है, मैं इसको इसमें पता नहीं यार क्या हो रहा है। खैर छोड़ो, जो भी है यहाँ पर अपना बहुत सारा सामान है, मुझे एक कूलर भी लेकर जाना है, तो इसको ना मैं तोड़ देता हूँ। इसका सारा मटेरियल मेरे पास आ चुका है, हम लोग इसे वहाँ पे चल के क्राफ्ट करते हैं। वैसे भी यार अपने नए बेस में कूलर की जरूरत है, काफी सारा फूड खराब हो जाता है तो इसमें बड़े बड़े ठंडा रहेगा। तो कूलर मैं बनाने वाला हूँ इस साइड पे बना देते हैं ऐसे, क्योंकि सीन क्या है मैं जितना भी मिल्क वगैरह खरीद के लाया हूँ ना केक वेक बनाने के लिए, वो सारा खराब ना हो, मैं उसे कूलर में स्टोर करवा दूंगा तो बढ़िया रहेगा। और वैसे भी हाँ यार जितना भी फूड आइटम है वो कूलर में स्टोर रहना चाहिए, वरना वो एक्सपायर होकर खराब हो जाता है। तो हम लोग इसको भी डाल देते हैं कूलर में, इसको भी डाल देते हैं, मिल्क भी डाल देते हैं। चलो ओल्डन खाना ले लेते हैं भाई। भाई वैसे सही बताऊं तो केक बनने का तो नाम ले नहीं रहा है, थक गया हूँ मैं इसे बनाते बनाते। शायद से ना मुझे कोई बहुत तगड़ा फायर वाला पोकेमोन ढूंढना पड़ेगा जो इतनी तेज कुकिंग करे, इतनी तेज कुकिंग करे कि केक जल्दी से बन जाए। एक तो यार जो रूबी है ना जो पहले हेल्प करवा रही थी, ये खुद अभी एक छोटे से ब्रेक पे है, काम करवा ले यार थोड़ा, इसको उठा के ले जाता हूँ, जबरदस्ती काम करवाऊंगा इससे। अरे नहीं भाई वो नहीं करेगी, अगर वो शॉर्ट ब्रेक पे है करने लगी, नाइस, हाँ इससे जबरदस्ती काम करवाऊंगा। भाई ये सुबह से लगी हुई थी और रात हो चुकी है पर अब तक केक नहीं कंप्लीट हुआ, साथ में लग के काम करवाऊंगा तो शायद से जल्दी हो जाए। अब जाके 50% प्रोसेस कंप्लीट हुआ है और लो भाई वो थक के चली गई। भाई वैसे ना रात हो चुकी है और सारे के सारे पोकेमॉन्स का सोने का टाइम हो गया, तो देखो भाई मैं ना रात में अकेले काम करूंगा नहीं, तू इधर आ, कोई दूसरा पोकेमॉन में पकड़ के लाऊं, तू लग यहाँ पे काम करो चुपचाप। मुझे केक चाहिए, मुझे ब्रीडिंग करवानी है, मुझे नहीं पता। भाई ये देखो ये भी भाग गई सोने के लिए, मेरे सारे पोकेमॉन्स जाके सो चुके, तू इधर आ, तू चल काम करना, चुपचाप मिलके काम करो भाई, दिमाग तो खराब करो मत। अरे भाई उसका ना सोने का टाइम हो गया, अभी मेरी ना कोई सुनने नहीं वाला, रात के टाइम ये लोग नहीं सुनते। ये देखो भाई ये रूबी तो भूखी सो गई, सबके सब ऐसी सो गए, वो तो बाहर ही सो गया भाई, उसको मतलब ही नहीं है। काम करता हूँ मैं भी, जाके सो जाता हूँ, दिन हो जाएगा और हम लोग ये काम कल कंटिन्यू कर सकते हैं, बेटर होगा अगर सो जाए। ओके डन गाइस, गुड मॉर्निंग, सब लोग बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा सोकर उठ चुके हैं, आई होप उठ गए हो। खाना वाना खा लो भाई भर के, तुम खाना खा लो कोई दिक्कत वाली बात। अभी मुझे पकड़ के लाना रूबी को, इसको ना मैं दोबारा से यहाँ पर ड्रॉप करूंगा। इधर 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 कहाँ भाग रहे इधर? अरे वाओ यहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे, चल चल तू जा बाद में आई। ओ भाई लेट्स गो, फाइनली पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस बोलते ही ये खत्म, डन, केक हम लोगों ने बना लिया है, अब हम लोग ब्रीडिंग करा सकते। वेट 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 वेट, मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि खाली नहीं छोड़ना चीज को, यहाँ पर एक और केक बनने लगा देता हूँ। चलो भाई चुपचाप इसके काम पे लगो, ताकि इसके बाद मुझे अगर एक और पोकेमोन चाहिए और ब्रीडिंग करवानी हो तो अपने के पास वेट ना करना पड़े ज्यादा, केक बना बनाया रहेगा तो बढ़िया रहेगा। चलो भाई केक खाओ, और तुम्हें एक चीज, क्या बात कर रहे हो, केक खाते ही मुझे एक मिल गया? ओ नहीं यार मुझे समझ नहीं आ रहा यार, मुझे मिल गया क्या यार ये? वेट, ह्यूज रॉकी एग मुझे मिल चुका है, और अगर मैं इसको इसमें डाल दूं तो गाइस ये 2 घंटे का टाइम लेगा। अरे भाई साहब 2 घंटे का टाइम ही लेने वाला है, उसके बाद इसमें से एक नया पोकेमोन निकलेगा। तुम लोग खुद देख सकते हो भाई, इसको रखते ही टाइमर चालू हो गया है, बट यार इतना ज्यादा टाइम लगेगा ये मैंने नहीं सोचा था। चलो 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 तुम्हारा काम हो गया, तुम इधर आ जाओ भाई, बाहर आ जाओ, तुम बाहर निकलो। भाई केक खाते ही इन्होंने बेबी दे दिया यार, चलो बाहर निकलो। अभी ना मुझे बस चेक करना है कि क्या मैं और पोकेमोन्स के साथ ब्रीडिंग करा सकता हूँ। जैसे ये मुसांडा है फीमेल पोकेमोन, तो इधर आ भाई, अगर मैं मुसांडा को यहाँ पर रख दूँ, ठीक, अरे अंदर चल, चलो यहाँ पे ब्रीडिंग फार्म में मैंने इसको रख दिया। ये भाई पता नहीं अलग ही कार्टून है, तू बाहर क्यों आ रहा है भाई? रुक जाओ यार, इसका ना काम वाम करने का ज्यादा ही मन कर रहा है, काम बाद में भी कर सकता है यार। तो ये है भाई फीमेल पोकेमोन, चलो अभी ये आ चुका है बेस पे, मुझे अब चाहिए एक मेल पोकेमोन, तो देखते हैं वो मेल पोकेमोन कौन सा है। वेट, वो मेल पोकेमोन है और मुझे अब चाहिए होगा एक फीमेल पोकेमोन, तो अगर मैं इसे यहाँ पे डालूं तो नहीं, वेट एक सेकेंड, भाई ये दोनों ही फीमेल है क्या? तू भाई बाहर आ, तू निकल यहाँ से, तेरा काम नहीं है। रुको गाइस रुको, मुझे ऐसे तुक्के वाली ब्रीडिंग नहीं करानी, सबसे पहले चलते हैं एकदम हाई लेवल के पोकेमोन ढूंढते हैं, जैसे कि ये है फीमेल पोकेमोन, ये भी फीमेल है, ये मेल है, तो अगर मैं लूप मून और किट्रेस की ब्रीडिंग करवाऊंगा तो भाई बहुत ही सही होगा। इधर आइयो भाई, इसको रखते हैं यहाँ पे, तू इधर आ जा, तू बाहर जा, तेरा काम नहीं है। तो अभी मुझे चाहिए लूप मून, चल भाई इधर आ। तो अभी हो चुका है एक मेल और एक हो चुका है फीमेल, बट वेट असाइन क्यों नहीं हो पा रहा है? ये फीमेल है, ये मेल है, हमें ना शायद से कॉम्बिनेशन समझने पड़ेंगे, वो बने बनाए हैं। इंतजार हो चुका है खत्म और अब बारी आ चुकी है इस एग में से अपने न्यू पोकेमोन को बाहर निकालने की। इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि आज मैं इतनी जल्दी उठ गया हूँ कि अभी सूरज भी नहीं उगा है। तो चलो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से इस बड़े एग में से अपना न्यू पोकेमोन बाहर निकाल देते हैं। लेट्स गो,
3, 2, 1 ये आ चुका है अपना न्यू पोकेमॉन जो कि है एनुबिस। भाई लेट्स गो। मैं इस पोकेमॉन को देखने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार हमने ब्रीडिंग फार्म से कोई पोकेमॉन निकाला है। लेट्स गो। कहाँ चला गया भाई? एक मिनट, ओ वेट, ये तो मेरे पास ही आ चुका है। तो देखो गाइस, ये है वो नया पोकेमॉन जिसका भाई अरे मिल तो ले मेरे भाई, कहाँ जा रहा भाग के भाई? एक तो ये भाग कितनी तेज रहा, एकदम नेरूटो की तरह। ये देखो भाई, वेरी गुड। इतना ज्यादा मेहनती पोकेमोन नहीं चाहिए भाई, गले वाले मिल ले यार। तेरा इंतजार मैंने इतनी देर करा, 2 घंटा लग गया भाई से एक से बाहर आने में। वैसे 2 घंटा लग रहा था बट हमने थोड़ा सा टाइम कम करवाया, बगल में हमने थोड़ा बहुत हीट सोर्स लगाया तब जाकर ये भाई साहब जी 1 घंटे में बाहर आए हैं। और आप लोग देखोगे तो ये कुछ ऐसा सा ही दिखता है, ये एकदम इंसानों की तरह चल रहा है यार। ये मतलब बॉडी स्ट्रक्चर इंसान जैसा, एकदम 2 पैर है, 2 हाथ है, 1 पूंछ है। वैसे ये वुल्फ है। वैसे ये वाला जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बनाया है, ये प्रॉपर इसका ही स्टैचू है। मतलब एनुबिस कोई बहुत ज्यादा मेन कैरेक्टर है इस गेम का। और अगर देखा जाए तो यार ये बेबी है, आप लोग कह सकते हो बूशी का एंड पेनकिंग का। बट मेरे को ना एक चीज अभी नोटिस हुई कि ये ना थोड़ा बहुत वीक है, ये एबनॉर्मल है। और ये सैंड ड्रॉस 15% फास्टर, मतलब यार वैसे पावरफुल बहुत ज्यादा है। अगर आप लोग नोटिस करोगे तो लेवल 1 पे इसका डैमेज 124 है। वैसे ये लेवल 2 का हो भी चुका है। अगर आप बाकी पोकेमॉन्स का देखोगे ना तो भाई उनका लेवल 22 पे 300 का डैमेज है, बट ये तो भाई लेवल 1-2 पे बहुत पावरफुल है। और अटैक ये देखो, 1 मिनट रुक इधर। अगर मान लो इसकी मैं फाइट करवा दूं इसके साथ, वैसे ये मर सकता है पता, क्योंकि अभी बहुत छोटा है, 2 लेवल का ही है। पर ये मारेगा नहीं मारेगा ये नहीं पता। जमा दिया इसने और किस तरीके से अटैक कर रहा देखते हैं भाई। तो जमा के अरे अरे भाई सपोर्ट आ गया भाई, पूरी गैंग ने अटैक। बस अरे कोई बात नहीं यार, थोड़े से ना गलत एरिया में फाइट करवा दी। ओ वेट यार, सामने कुछ गुंडे लफंगे घूम रहे हैं, पहले मुझे उन्हें मारना पड़ेगा। बट यार देखो ऐसा ना टेंशन वाला सीन है ही नहीं, मैं थोड़ा सा साइड से निकल कर आ गया। ये लोग फालतू भी बोलेंगे तो मेरे पास है, देखो तुम अगर फालतू बोले तो बहुत मारेगा वो। इससे बढ़िया मुझे बॉस फाइट करने जाने तो ज्यादा बेटर है। लेट्स गो। हम लोग आ चुके हैं बॉस बूशी के पास। सबसे पहले भेजेंगे मेमोरेस्ट को। जा मेमोरेस्ट, कर दे इसकी बत्ती गोल। भाई बहुत गंदी तरह पिटने वाला है क्योंकि अभी जो मेरे पोकेमॉन है वो पहले जैसे नहीं रहे। पिटाई तो होगी बेटा, बहुत ज्यादा गलत। ओ माय गॉड, जला जला के मार रहा हो। एक बार तुम इन दोनों की होने दो। अरे यार ये मेरे पे अटैक करेगा। ओ ये मेरे, ओ तेरी की, टेलीपोर्टो के पास आके इसने स्वॉर्ड मारा। बट ठीक है, अब बोल बोलना। मेरे पे अटैक कर रहा है। बट अभी आप लोग नोटिस करो इस वाले बूशी का साइज कितना ज्यादा बड़ा है। मार इसको गिल्ले। चलो यार मेमोरेस्ट मुझे ऐसा लग रहा है मारने में बहुत टाइम लगा रहा है, हम लोग भेजेंगे। आओ भाई अब लड़ तू भाई। इसके पास एक एबिलिटी है लाइफ स्टील का, ये क्या करता है इस एबिलिटी से? वैसे गाइस मुझे ना ये ध्यान रखना है कि बूशी कहीं पूरा ना मर जाए, मुझे इसे भाई पकड़ना है, कैप्चर करना है। चल इसको मार के जाएंगे भाई। चल नाइस भाई, ये बूशी तो बेचारा हमारे फेलबेट से ही नहीं लड़ पा रहा यार, क्या ही बोलूं मैं इसको। फेलबेट तो एक ऐसा पोकेमोन है जो कि मुझे लगता है भाई लकीली मिल गया यार। फेलबेट मेरे भाई, उसको पूरा नहीं मारना है ठीक है, ध्यान से। 200 HP पे छोड़ दी, उसके बाद मैं देख लूंगा। आओ मारा बे, जला दिया इसने तो मुझे। खाना खा लेता हूँ थोड़ा। ओ मेरे पास आ रहा है, मुझे बचा। अबे यार इसने मुझे जला रखा है, मेरी शील्ड भी रिपेयर नहीं हो पाएगी। चलो गाइस वैसे वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला है, अब मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि बस वो पूरा ना मर जाए। ये पड़ा उसके डैमेज, 1 डैमेज और दे दे बस। अरे जमा दिया, बस वापस आ जा, अभी मैं इसको देख लूंगा। अब गाइस 1v1 होने वाला है, ग्रीन इस फेयर में आ जा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जल्दी से इज्जत के साथ लेके चल रहा हूँ तेरे को अपने घर। वेरी गुड, अरे बदतमीजी पे आ गया भाई ये। इससे ज़्यादा हेल्थ नहीं कम कर सकता मैं इसकी, वरना ये मर ही जाएगा। अब मैं अनलिमिटेड बस बॉल फेंकते रहता हूँ, आना होगा ये कैप्चर हो जाएगा, क्योंकि अगर मैंने इसे मारने का इसके लिए मर जाएगा भाई। तो क्या कर रहा है, आ जा, क्या कर रहा है भाई ये मरेगा भाई। नाइस आ गया, मैं मार दूंगा भाई इसको। ले अब आ जा, अब तो कोई चांस ही नहीं है भाई। 18 HP बचा है यार, मेरी इतनी पोकेबॉल्स वेस्ट करा दी। अरे यार आ जा प्लीज, आ जा मेरा भाई है तू। वेरी गुड, अरे क्या हो गया इसको, सारी की सारी बॉल वेस्ट करवा रहा है यार ये। फाइनली यार हम लोगों ने एक बॉस बूशी को कैप्चर कर लिया, बट इस बंदे ने मेरी इतनी सारी बॉल्स वेस्ट करा दी भाई, सारी की सारी बॉल्स फेयर भाई, वो भी बढ़िया वाली। बट ठीक है, एक अच्छी चीज हुई इससे, फाइट करने के बाद जो अपना एनुबिस है
वो लेवल 17 का हो चुका। अरे अरे भाई कहाँ भागता है यार ये, दिखना दिखना इसको, इतनी दूर जा रहा है भाग के। अबे हेलो, किसको मारने चला गया ये, क्या टोर्नेडो? गाइस वेट, इसने कुछ ऐसे नई टेक्निक सीख ली है टोर्नेडो मारने की। रुको हम लोग चेक करते हैं भाई ये टोर्नेडो अटैक कैसे करता है। लेवल 17 का हो चुका है, पहले से तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो गया होगा, बट यार देखो लेवल 17 ऐसा कुछ ज्यादा भी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि अभी ये इसको भी मार पाएगा। लेट्स सी, यहाँ पर दो दो है, फाइट करा देता हूँ। और इससे तो बचकर कोई भागने नहीं वाला, क्योंकि जो इसकी स्पीड है वो, बॉय वेरी गुड, बहुत ही कच्चा निशाना, थोड़ा सा अच्छा निशाना। अरे यार एनुबिस को तो देख के भाग रहे हैं सब, दादा 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 देखो कैसे पकड़ के मारेगा। टोर्नेडो उठाया फेंक दिया। ओ भाई भाई, अबे पेड़ नहीं तोड़ना है, इसको मार, तो इसको मार, मोजरीना को मार दे। चलो ये मारा, जमा दिया भाई, भागने का तो ऑप्शन ही नहीं है। अरे वेरी गुड भाई, बस 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 तू वापस आ जा, इसको कैप्चर कर लेते हैं। अरे मैंने ये वाली बोल के फेंक दी इसे कैप्चर करने के लिए। छी यार, मेरे से तो घटिया बंदा कोई होगा ही नहीं, मतलब यार एक नॉर्मल से पोकेमोन को कैप्चर करने के लिए मैंने वो इतनी बढ़िया स्फीयर फेंक दी। चलो कोई नहीं, अभी हम लोग जाने वाले हैं पेन किंग को पकड़ने के लिए। मैं ट्राई करूंगा यार पेन किंग को ना नॉर्मल वाली पाल स्फीयर में पकड़ूं। भाई एक तो ये बंदा यहाँ से है भी तो बहुत ज्यादा दूर, जाते जाते ही थक जाऊंगा मैं तो। आगे पहले इसको फेंक देता हूँ ताकि ये जो पोकेमोन से मुझे परेशान ना करे। इसको मारो, बहुत बढ़िया भाई, ये पेन किंग तो बहुत ज्यादा दूर है, मुझे ना घर वापस जाके अपना नाइट विंग लेकर आना चाहिए था। सही बता रहा हूँ भाई, इसके पास पहुँचते पहुँचते तो रात हो जाएगी। ले इसको मार दे विक्सी को, वेरी गुड। भाई मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये पेन किंग कैसी सी बायोम में रहता है, यहाँ पर सब कुछ इतना ज्यादा रेड क्यों है। ओ वेट, वो नदी के उस साइड रहता है उस पहाड़ पे, मैं खाली पीली उल्टा जाता जा रहा था यार। यहाँ पर मुझे एक मस्त एग मिल चुका है, फ्रोजन एग। भाई मैंने ना अभी पहाड़ चढ़ना चालू कर दिया क्योंकि पेन किंग के पास जाने का रास्ता मुझे समझ नहीं आ रहा है। इससे बढ़िया कि भैया पहाड़ चढ़ के चलो, बस मेरा पैर ना फिसले। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई स्टेमिना खत्म हो जाएगा और मैं फिसल के नीचे गिरने वाला हूँ। प्लीज ऊपर पहुंच जा, प्लीज प्लीज प्लीज। नाइस, पहुंच गया। चलो गाइस अपने पोकेमोन्स को वापस बुला लेते हैं, एंड अभी बारी है फाइट करने की एक और नए पोकेमोन के साथ जो कि है बॉस पेन किंग। लेट्स गो। अरे पेन किंग कहां पर है मेरे भाई? अरे आ गया पेन किंग, आ गया। इसके तो छोटे मोटे ये छछुंदर भी हैं यहां। बस 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 65 का डैमेज कैसे हो गया उसको? मेरे एक तीर से 65 का डैमेज हो गया यार, मर गया बेचारा पूरा। मुझे एक पेन किंग, बॉस पेन किंग पकड़ना था। वैसे मैं बाद में भी पकड़ सकता हूँ, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट इस पेन किंग को दोबारा यहाँ पे रिस्पॉन होने में लगेगा 1 घंटा, जो कि मैं यहाँ पर खड़े रह के तो वेट नहीं करने वाला। तो अभी हम लोग यहाँ से बाहर चलते हैं 1 घंटे बाद, और कभी दोबारा आकर इस बॉस पेन किंग को पकड़ लेंगे। और वैसे भी सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे पास बॉस बुशी आ चुका है, जो कि सबसे ज्यादा बढ़िया बात है, क्योंकि बॉस बुशी और बॉस पेन किंग का बेबी होगा एक बॉस एन्यूबिस। भाई ये छोटा वाला एन्यूबिस इतना ज्यादा तगड़ा है तो वो कैसा होगा? लेवल 19 का ये हो चुका है, और लेवल 19 पे इसका डैमेज 331 है। भाई उसका तो फिर और भी ज्यादा तगड़ा होगा यार, मैं तो वो सोच रहा हूँ। खैर ठीक है, यहाँ पर हमें एक टेलीपोर्टर मिल चुका है फास्ट ट्रेवल के लिए, इसके थ्रू मैं डायरेक्टली बेस पे जा सकता हूँ। बट ना मैं थोड़ा सा एक बार एक्सप्लोर करके देखना चाह रहा हूँ कि क्या यहाँ पर कोई नए पोकेमोन है। वैसे अभी तक मुझे देखने में तो कोई भी नया पोकेमोन नहीं दिखा दूर दूर तक, मुझे लगता नहीं है यहाँ पर कोई भी नया पोकेमोन है, अगर होता ना तो दिख जाता। मेरे को ऐसा लग रहा है अब जो भी खतरनाक नए पोकेमोन है वो शायद से इस रिवर के उस पार है, क्योंकि वो है सारा बर्फीला इलाका, वहां पे भी चलेंगे। बट अभी हम लोग मैप में अच्छा खासा एक्सप्लोर कर चुके हैं, पर अभी भी बहुत चीजें खुलना बाकी है। लेट्स गो, फास्ट ट्रेवल करके चलते हैं होम पे, और एक बार चलकर देखते हैं कि आखिर अब अपना एनुबिस कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका है। तू क्या कर रहा है ऊपर? और मुझे तो भाई ये देखना है कि जो बॉस बुशी है वो कैसा दिखता है। हम लोग पकड़ कर लाए ये वाला बुशी, ये है बॉस वाला और ये है नॉर्मल वाला। तो देखो गाइस, ये है नॉर्मल वाला बुशी जो कि साइज में इतना बड़ा है, ऑलमोस्ट मेरे बराबर है, मेरे से थोड़ा ही बड़ा है। बट बॉस वाला कहां है? बॉस बुशी तो भाई अंदर कहां घूम रहा है, सोने का टाइम नहीं है, बाहर आओ। अच्छा गाइस गाइस एक बार आप लोग इसका साइज देखो भाई, कितना ज्यादा बड़ा है भाई ये। मतलब ये है नॉर्मल वाला और ये है बड़े वाला, प्रॉपर बड़ा भाई छोटा भाई वाला डिफरेंस है। अब बस हमें एक बड़ा वाला पेन किंग लेकर आना है, फिर तो भाई जो कॉम्बिनेशन होगा और फिर जो हमें एनुबिस मिलेगा वो बहुत पावरफुल होगा, क्योंकि ये वाले एनुबिस में लिखकर आ रहा है एबनॉर्मल है और थोड़ी बहुत ये क्या है, सैंड ड्रॉप्स 15% फास्टर और वेट भाई रेड होगी भाई बेस पे। भाई रेड में भी कुछ कुछ तगड़े पोकेमोन आते हैं जो कि यार मैं पकड़ सकता हूं और हर बार मैं नहीं पकड़ पाता, क्योंकि अपने पास सारे पोकेमोन ना बहुत ज्यादा बुरी तरह फाइट करते हैं। इस बार जो रेड हुई है उसमें मैं सिर्फ एक पोकेमोन भेजूंगा, ठीक है? इसको भी नहीं भेजता हूं, रुक जाओ, इसको भी मैं रखता हूं अपने पास। मैं भाग रहा हूं भाई छत पे, ठीक है, क्योंकि फाइट होने वाली है बहुत भयंकर, ये लोग हमारा बेस पूरा तोड़ ही डालेंगे। मैं भेजूंगा यहां से और मैं जा रहा हूं छत पे। चलो भाई लड़ो, पूरा मत मारियो, वेरी गुड। बस 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 गाइस, अभी ना सिर्फ और सिर्फ एक ही वाला पोकेमोन बचा है जिसको मेरा इरादा है कैप्चर करने का, और ये जाएगा मर, ठीक है? ऐसा होता है अक्सर। इधर आ, इधर आ। अरे यार नाइस, इसे कैप्चर कर लिया समझ लो। रेड के पोकेमोन्स भी कैप्चर करना बहुत जरूरी है। नाइस, आज मैंने पकड़ा एक तगड़ा पोकेमोन, मुझे नहीं पता है क्या करता है, बट इसका नाम है ये जो भी हो यार, पता नहीं क्या है। अबे मेरे घर में आग लग गई, मैं इसे बुझाऊं कैसे? कोई पानी वाला पोकेमोन उतारना पड़ेगा। उतरो 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 उतरो,
तू उतर तू उतर तू उतर तू उतर तू उतर, ये तो सारे आग वाले हैं। आग लग गई घर में, आग बुझाओ। वेरी गुड भाई, समझदार तो बहुत ज्यादा, बुझा दी। लेट्स गो भाई, यार घर अब रिपेयर भी कर दूंगा एक दिन। चलो क्या ठीक है, एक नया पोकेमोन आज हमें मिला है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला भाई साहब, ये हमेशा आता था रेड में अटैक कर रहे, देखने में बहुत तगड़ा लगता है, पर कभी मैं इसे पकड़ नहीं पाया था, आज पकड़ लिया। भाई सामने से ना गाइस बहुत सारे डायर हाउल्स आ रहे हैं, इनको रुक जाओ बताता हूँ अभी मैं। एनिबिस जा मारी ने भाई, टॉर्नाडो अटैक कर रहा है अपना एनिबिस। ये देखो, ये बनाई बॉल और ये मारी उसके। भाई तो कैसे खड़े खड़े लड़ रहा है, राजा की तरह है भाई ये। ये बना टॉर्नाडो, अरे भाई अबे क्या एक्शन के लिए बना रहा है, मार तो टॉर्नाडो, जमा दिया। अब क्या करेगा ये, अब बनाई बॉल, बॉल मारी।